डिनर में आज हमारे बना है चिकन फ्राइड राइस। सारी चीज़ें मेरी कटिंग हो चुकी है, ये चावल का पानी बॉइल्ड होने लग गया है। यहाँ पे हम राइस भी बनाएंगे और ये मैंने सैलड भी बना लिया है, रायता भी बना लिया है और फ्रेंच फ्राइज भी। और आज मज़े का डिनर सबको मैं करवाऊँगी। सब खाने के लायक मुझे इतना अच्छा लगता है ना, देखिए राइस भी हमारे तैयार हो गए और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इतना मज़ा आता है ना मुझे लोगों को खाना खिला के और उनका पेट भरे, दिल से दुआ निकले कि अल्लाह तो खुश होगा ना हमारा। मोहम्मद, आपको डैडी के शूज़ में क्या नज़र आते हैं ऐसा? हाँ, मैं डैडी के शूज़ समा कर करके ला ला के रखता रहता है बस यहाँ पे, कहता है ज़मीन पे नहीं रखो मेरे डैडी के शूज़। मोहम्मद, अल्लाह। ये नेक्स्ट डे सुबह की है, अब्बू का मैंने पान वगैरह सब कुछ मेंटेन करके रख दिया था, अब्बू का नाश्ता भी मैंने बना दिया था, बस अब्बू नहाने गए हैं। अब्बू नाश्ता करके जाएंगे, फिर झांझे उठेंगे, फिर उनका नाश्ता बनेगा, फिर बाजी उठेंगे, फिर बाजी का नाश्ता बनेगा और अब्बू की चाय बन रही है। अब्बू चले गए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, मेरा रात का रोल रखा हुआ था मैंने वो खाया। मोहम्मद को मैं बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ, मोहम्मद के बॉयल्ड एग, योगर्ट मोहम्मद की और एक अंडा जो है वो जहाँजेब का है, ब्रेड भी उन्हीं की है, ताफ्तानी भी उनकी है। देखें आप कितना खाना खाते हैं, कितना बचता है, फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं। आपकी डैडी मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए थे रात में और इनको देखो कुछ खाने दें, मुझे ऐसा हो सकता है, दही देखें किस तरह गिराई है ना। बनता बच्चा, व्हाट आर यू ईटिंग? मामा मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी, कहने लगी ताहिर रोड चलो मेरे साथ शॉपिंग करने। चलो मैं ठीक है उनके साथ शॉपिंग करने चलते हैं। फिर हमने ही शॉपिंग, मामा ड्रेसेस चूज़ कर रही थी और मैं एक जगह बैठ के मामा को देख रही थी और कैप्चर्स कर रही थी मोमेंट्स। बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ आई हुई थी यहाँ पे और मामा ने ली भी। यहाँ पे देखें ब्लैक वाली कुर्ती मामा ने दुआ के लिए ली थी, यहाँ पे देखें ये भी अच्छी आई हुई है, तकरीबन सभी अच्छा था। ये कुर्ती भी मुझे बहुत पसंद आई थी, ये भी यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ थी। और देखें फिर मामा ने मोहम्मद को गोद में ले लिया और चप्पल वगैरह पसंद करने लगी। यहाँ पे बैठे बैठे मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, बहुत प्यारी प्यारी स्लीपर्स थी यहाँ पे। हमने शुरू से ताहिर रोड शॉपिंग करी है। मोहम्मद को मैं कब से दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी और मोहम्मद ने पिया भी, लेकिन मैं मोहम्मद की फीडर छुटवा चुकी थी लेकिन इनके डैडी ने नहीं छुटवाने दिया। अब इतने परेशान करता है फीडर को लेके कि बस मेरा बेटा मोहम्मद है जो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करता है, आज तबीयत बिल्कुल डाउन है। मोहम्मद ने अपनी फीडर गिरा दी नीचे, देखो कैसे रो रही है। मेरी फीडर उठा के दो, अब आंटी गई है नीचे फीडर उठाने। अब क्या होगा मोहम्मद, कैसे रो रही है आंटी रहने दे आ जाए। मोहम्मद की देखे फीडर वो पड़ी है, अब ये लोग सब सो रहे हैं अंदर, किसी को पता ही नहीं, आवाजें लगा रहे हैं। अब आंटी आ रही है, क्या हुआ नहीं खोल रहे? चेहरे रहने तो बाद में ले लेंगे। वो क्या प्यार? वो इतना रो रहा है मोहम्मद, वो देखेंगे ना उठा लेंगे। अब वैसे भी ये खराब हो गई है फीडर। मोहम्मद वेयर इज योर फीडर? कल अम्मी आ रही हैं तो मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली हैं और अम्मी का रूम तो मैंने खुद साफ़ किया है कि ये हट जाओ। इस तरह इनका बाया हैंगर करके टांग दिया है, इनका बेड बना दिया है मैंने, ये मोहम्मद का पाउडर चीज़ें अम्मी की सेट कर दी हैं, ये अब्बू के पिलोज़ हैं उनकी जानमाज, मोहम्मद की तस्वीर मैंने लगा दी है, ये अम्मी अबू का बिस्तर है।